प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान उत्तर प्रदेश के द्वारा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मवीर सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित प्रभार राम नरेश भारती, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रभार दुर्गेश वाजपेयी, प्रदेश प्रवक्ता मीडिया प्रभारी के सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रभार अब्दुल कलाम आदि लोग मौजूद थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही अपनी बात। जो रायबरेली जनपद की जो हाईवे है और हाईवे की जो सड़कें पूरी ध्वस्त हो रही हैं, या यहाँ पर मतलब जो है खाद किसानों को नहीं मिल रही है, या यहाँ पर मतलब जो है कुछ और सूचना प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से कि मार्फिन वगैरह का युवाओं में प्रकोप बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों को यहाँ के बाद हम संज्ञान लेंगे। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये रायबरेली की समस्याएँ एक सप्ताह के अंदर जो छोटी टीम का है और उसका है वो होगी, और जो हाईवे की समस्या है इसको मैं माननीय हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं मैं उन्हें लिखूंगा, एक प्रस्ताव भिजवाऊंगा और इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाए। स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ पूरी तरह से जो है पटरी पर आ गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए 90 कोविड में हमारा स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से 90 कोविड में काम कर रहा है। अगर यहाँ का सीएमओ 90 कोविड में कोई काम ना कर रहा हो तो आप मुझे बताइए। चार घंटे इमरजेंसी से डॉक्टर गायब रहते हैं, मरीज परेशान रहते हैं, क्या कहेंगे? ऐसे कुछ कैसे आप किस संज्ञान में रायबरेली से आए? जी कल ही का मामला है, तो इस पर भी हम लोग संज्ञान लेंगे, सीएमओ से बात करेंगे। अगर सीएमओ इस तरीके की कार्रवाई मतलब करते नहीं है, तत्काल संज्ञान नहीं लेते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, हटाया जाएगा। सर परिचय बता दीजिए। प्रभाव दिलीप यादव न्यू वर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायबरेली सदस्य प्रदेश कार्यसमिति। सर जो प्रेसवार्ता रखी गई क्या उद्देश्य था प्रेसवार्ता का? ये आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सदैव नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, ऐसे अवसर पर संगठन ने पूरे 15 दिनों तक एक पखवाड़ा एक अभियान चलाने का संकल्प लिया है। स्वच्छता अभियान, गरीबों के लिए अंग वस्त्र और विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल, इस तरह अनेकों योजनाओं का आज से क्रियान्वयन होना है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज 70 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएँ देते हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी हजारों हजार वर्ष तक उनकी लंबी उम्र हो। उन्होंने देश के गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए योजनाएं दी हैं, उसके साथ साथ रायबरेली में भी उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं और बड़े बड़े रायबरेली जनपद को सौगात दिए हैं, जैसे एम्स का निर्माण तेजी से कराना रायबरेली की लाइफलाइन है, रेल कोच फैक्ट्री का विस्तारीकरण, रेल पहिए का प्रोडक्शन जल्दी शुरू होना, इस तरह रेल लखनऊ से बनारस तक रेल दोहरीकरण, ऐसे अनेकों राज्य जनपद को भी उन्होंने उपहार दिए हैं। ऐसे सदैव प्रधानमंत्री जी को हार्दिक शुभकामनाएं, उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं जिले की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।